नमस्कार, सत श्री अकाल। एस एस आई टू में स्वागत करते हैं। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त मैं सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह महाराज की जन्मस्थली में। लोग आते हैं दर्शन करने, मत्था टेकने के लिए, चाहे वो राजनीतिक के क्षेत्र से हो या फिर फिल्मी हस्ती क्यों ना हो। लोग आते हैं, गुरु जी के आशीष लेते हैं और आगे तरक्की करते हैं। इसी कड़ी में बॉलीवुड के सबसे बेमिसाल गायकों में से एक स्वर्गीय मुकेश जी के फैमिली, यू कह सकते हैं उनके पुत्र सुप्रसिद्ध गायक नितिन मुकेश जी आते हैं। नितिन मुकेश जी के सुपुत्र सुप्रसिद्ध अभिनेता नील नितिन मुकेश जी आते हैं। इसी गुरु घर में आते हैं दर्शन करने, मत्था टेकने और गुरु जी से आशीष लेने के लिए। इस कड़ी में देखिएगा तो प्रबंधक कमेटी की ओर से यहाँ के जो अधीक्षक हैं उनके द्वारा तमाम अतिथियों का स्वागत किए हैं और गुरु साहब में जाकर उन्हें सरोपा देकर एक सम्मान दिया गया है। यूँ कह सकते हैं कि स्वर्गीय मुकेश जी ने जो अपनी गायकी से अपनी नई आयाम पहुंचाने का प्रयास किए थे, आज वो नहीं है, लेकिन उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं उनके पुत्र नितिन मुकेश की, जो फिल्मों में बेहतरीन अपनी गायक प्रस्तुत किए हैं। साथ ही जब उनको पुत्र को नील नितिन मुकेश के भी बारे में जानकारी मैं दे देना चाहता हूँ कि एक सुप्रसिद्ध अभिनेता है और लगातार फिल्मों में अपने अभिनय से दर्शकों को काफ़ी खुश करते हैं। इस पूरे मामले में देखा जाता है तो तमाम उनके फैमिली, चाहे वो नितिन मुकेश हो या नितिन मुकेश, काफ़ी सेल्फी लिए हैं और एक भीड़ का हिस्सा, यूँ कह सकते हैं कि भीड़ में काफ़ी खुश नज़र आए हैं। इस गुरु साहब का आशीष लेकर अपने आप को वो धन्य सोचे हैं। SSI2 आप देखते रहिए। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।